हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो है कई प्रकार की जो गैसेस जो एयर के अंदर पाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कल पढ़े थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो एनवायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर पाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में कल पढ़ चुके थे, तो आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हैज मोर इम्पोर्टेंस फॉर प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार जो प्लांट्स हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली टू प्रिपेयर देयर फूड अलोंग विद वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं ब्रीथिंग के द्वारा, हम ऑक्सीजन गैस टेक करते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर के अंदर आती है और उस एयर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, फूड बनाने के लिए। और अपना जो फूड बनाते हैं प्लांट्स वो विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में, ठीक है। साइंटिफिक जो है केमिस्ट्री में इसका जो फॉर्मूला होता है वो CO2 होता है, तो हम शॉर्ट में इसको CO2 भी लिख सकते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनको जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ब्रीदिंग करने के लिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो इसको ये डायरेक्टली ही जो है एयर से ले लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसी प्रकार से, तो इसके खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ प्लांट्स को वाटर एंड सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो प्लांट्स की खाना बनाने की, फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट अदर गैसेस। अब हमने तीन गैसेस तो ये पढ़ ली जो बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है एयर के कंपोजिशन में। एक तो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन एंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो 1% में है वो अदर गैसेस पाई जाती हैं। देखिए अदर गैसेस में कौन कौन सी होती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर गैसेस, सॉरी गलती से, गैसेस आर ऑल्सो फाउंड इन द एयर। जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में जो है, स्मॉल अमाउंट में जो है अदर गैसेस जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओनली 1% हमने जब कंपोजिशन बना के पढ़ा था तो उसमें देखा भी था। दीज गैसेस आर, उन गैसेस के कुछ नाम हैं, नेम है, देखिए कौन कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ओजोन, क्रिप्टन एंड जीनोन। तो ये सब गैसेस के नेम है जो अदर गैसेस हैं एयर के अंदर पाई जाती हैं, बट ये बहुत ही कम, स्मॉल ही, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर एयर के अंदर प्रेजेंट है। ऑर्गन एंड नियोन आर यूज टू क्रिएट कलरफुल इलेक्ट्रिक लाइट्स इन ग्लास ट्यूब्स। कभी आपने देखी होगी कोई ग्लास ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आर्गन एंड नियोन का यूज किया जाता है। तो ये सब थी आपकी कंपोजिशन जो है एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में ये सब था।
नेक्स्ट जो कंपोनेंट है एयर का वो है वाटर वेपर। कुछ अमाउंट अमाउंट में वाटर वेपर्स भी जो है एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। चलिए देखिए, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सीज रिवर्स एंड लेक्स। वाटर जो है वो कहाँ से इवेपोरेट होता है? जो बड़ी वाटर बॉडीज होती है लाइक सीज रिवर्स एंड लेक्स विच गेट्स कलेक्टेड इनटू इन द एयर। और वो एयर जो वाटर है इवेपोरेट होने के बाद एयर के अंदर जो है कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑल्सो कॉजेस चेंजेस इन वेदर। ये जो वाटर वेपर जो होती है एयर के अंदर जब कलेक्ट हो जाती है तो इसी के कारण जो है वेदर यानी कि मौसम भी चेंज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है, बहुत एयर जो है वो बहुत ड्राई होती है। लेकिन सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी जो है रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और विंटर सीजन में भी जो है एयर जो है वो बहुत ही ठंडी होती है। वो किस कारण से होती है? क्योंकि एयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। इट कैन बी कंडेंस्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। और ये इवेपोरेटेड वाटर जो है वो ऊपर भी उठता है, ठीक है, ऊपर जाके कंडेंस्ड हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद इससे क्लाउड्स बन जाते हैं, जो है बादल बन जाते हैं, ठीक है, फॉग बनता है, रेन आती है एंड स्नो। कई बार कई जगह पर स्नो भी आपने देखी होगी, बर्फ जम जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज टर्म्ड एज द ह्यूमिडिटी। वाटर का जो अमाउंट होता है एयर के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, नमी, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो अब इसे नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे एंड एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।